चर पिए, घोड़े पिए, चरिंद पिए, जानवर पिए, काफिर तलक पिए तो तुम मना न कीजियो, एक फातिमा के लाल को पानी न दीजिए। काफिर को पिला दो पानी, फातिमा के लाल को पानी मत पिलाओ, अगर उसका लाल पानी पी लेगा दुनिया में कोई यजीदी नहीं रहेगा, कोई यजीदी नहीं रहेगा। तो हुसैन नादान को मालूम नहीं था, हुसैन का खुदा कहता है ला तखुलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। जाहिल से थोड़ी सनद लेते हैं, आलिम की, मुर्दे से कहीं जिंदगी की सनद लेते हैं, नहीं, वो मैं कहूंगा भल आया, उसकी जिंदगी की सनद मौला दे रहे हैं, जिंदगी देने वाला मैं कहूंगा कि जिंदा। मैं गौर करता हूं कि इस्लाम पर क्या है, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़र्बे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी, एक दीन लाने वाला नाना, दीन की हिफाजत करने वाला नवासा, फिर दीन बीमार हो जाए तो मुहियुद्दीन, दीन है तो इन्हीं से दीन है। यजीदियों की एक अलामत होती है, समझ में आया, बाप के भीख से पलते हैं, बच्चों से बैर करते हैं। काबतुल्ला में हुसैन है, मक्के में है, हजरत माविया इंतकाल फरमा चुके हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनका बेटा यजीद जो गुनाहगार था, फासिक था, फाजिर था, इसके बाद हाथ में जो है इस्लाम की बागडोर आ गई है खिलाफत की, तो मुझे अब यहाँ बैठना नहीं है, मेरा फर्ज मुझे ललकार रहा है कि जाऊं और मेरे लोग मुझे बुला रहे हैं। लोगों ने कहा कि हुसैन रुक जाओ, कूफे वाले ठीक नहीं हैं, आप रुक जाइए। तो आप कहते हैं कि मैं कैसे रुकूं? यजीद की फौज काबे पे हमला करने वाली है, काबे पर कुर्बान होने वाले आ रहे हैं, जाने काबा वहां से रवाना हो रही है। ए तमाशा गाहे आलम, रूए तो शायद यही कहते थे होंगे वो लोग, तू कुजा बहरे तमाशा मीरवी, और तू कौन से तमाशे के लिए जा रहा है, यहां तो तेरे दीदार के लिए आ रहे हुसैन। मगर आका ने यही कहा कि काबे को मैं छोड़ रहा हूं तो काबे को नहीं छोड़ रहा हूं, काबे की बखा के लिए काबे को छोड़ रहा हूं, मेरा जाना काबे को छोड़ना नहीं बल्कि काबे की बखा के लिए जाना है। मुसलमान कहने वालों, खुद को मोमिन कहने वालों, भूलो नहीं उनके एहसान को। कामिल हैदराबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुर्बान जाऊं मेरे आका पर, हमारी जिंदगी कामिल बड़ी महंगी पड़ी हमको, हमारी जिंदगी कामिल बड़ी महंगी पड़ी हमको, लगे हैं इस पे लगे हैं करबला में इस पे सरमाए बहत्तर के लगे हैं करबला में इस पे, आज सजदे कर रहे हैं, आज तुम अल्लाह को पुकार रहे हैं, आज अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं, आज खुद को मुमिनीन में गिन रहे हैं, इस पे सर 72 के सरमाए लगे, वो 72 के सरमाए लगे, ये आज सस्ता नहीं है मियां, अब और भार आए भारी ईमान है, हमारी ईमान की नेमत के लिए, हमारी ईमान की दौलत के लिए वहां 72 के नजराने उन्होंने दिए, उनका सदका है आज तुम जो है अल्लाह अल्लाह कह रहे हो। भूलो नहीं हुसैन की कुर्बानी को, भूलो नहीं, अगर भूलेंगे तो सब कुछ भूल गए, याद तुम भुला दिए जाओगे, याद रखो। हुसैन का जिक्र जिक्र नबी है, हुसैन का जिक्र जिक्र खुदा है, और उनके जिक्र को भूलने वाले को मौला फरमाते हैं, अतत का आया तू ना फनसी तहा कदालिक यौम तुंसा। हुसैन से बड़ी आयत क्या होगी तुम्हारे पास, जिसके सपोर्ट में आयतें नाजिल हो रही हैं कुरान की, ऐसी आयत है हुसैन,
زید ایسی آیت زمین آیت آسمان آیت آیت نہیں کیسی پیاری آیت ہے یہ کیسی پیاری آیت ہے عدد کا آیا تنا ارے نبی زادے تمہارے پاس آئے تھے حسن کا تذکرہ آیا تھا حسین کا تذکرہ آیا تھا حضرت قاسم کا ذکر آیا تھا قاسم کی شکل میں ہماری نشانی آئی حسین کی شکل میں ہماری نشانی آئی علی اکبر کی شکل میں ہماری نشانی آئی علی اصغر کی شکل میں ہماری نشانی آئی فنسیتہا تم نے بھلا دیا کذالک الیوم تنسا آج کا دن ہم تم کو بھلا رہے ہیں Yeah,